बहुत बहुत स्वागत है लहरे पर आपका। आपकी फिल्म विवाह का फर्स्ट लुक जारी किया गया है, कुछ बताना चाहेंगे फिल्म के बारे में? ये फिल्म बहुत डिफरेंट है, जो आजकल सिनेमा बन रहे हैं ना, जो पहले वो नहीं है, जैसे नदिया के पार उस टाइप की पिक्चर है ये, और हम लोग एक डिफरेंट पिक्चर बनाई है और पूरी फैमिली पिक्चर है। इसमें कोई भी वल्गर कुछ भी आपको दें, आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के ये फिल्म देख सकते हैं, उसमें कोई हिचक नहीं होगी और बहुत ही एकदम फैमिली ड्रामा है और पूरी फैमिली पिक्चर है। अपने बीवी बच्चों के साथ फिल्म देख सकते हैं। हम लोग इसमें बहुत मेहनत किया है और एक नीट क्लीन पिक्चर बनाई है भोजपुरी, जस्ट लाइक जैसे नदिया के पार थी। फिल्म के पोस्टर में हम तीन हीरोइन देख रहे हैं, काजल है, पाखी जी है, संचिता है, एक और फिल्म मिसिंग है, एक और एक्ट्रेस मिसिंग है इसमें, आकांक्षा अवस्थी। नहीं, इसमें के बारे में सबसे पहले जानना चाहूँगी, कैसे सोचा गया कि चारों को इस फिल्म में लिया जाए? चारों नहीं है, इस फिल्म में दो ही हीरोइन है, आकांक्षा अवस्थी, संचिता बनर्जी, चिंटू अवधेश मिश्रा और किरण यादव, रितु पांडे, संजय महानंद अदर आर्टिस्ट हैं, और जो पाखी जी हैं इनका एक सॉन्ग है स्पेशल, काजल जी का स्पेशल सॉन्ग है, ये हीरोइन नहीं है जी। और फिल्म में चिंटू जी है, कैसे सोचा गया कि चिंटू को इस फिल्म के लिए कास्ट किया जाए? चिंटू ही परफेक्ट बैठेंगे इस कैरेक्टर के लिए। इस कैरेक्टर में ऐसे कि एक जिसे आई थी हम आपके कौन, तो वो भी नदिया के पार का रिमेक था, तो एक सॉफ्ट लड़का, पढ़ा लिखा लड़का जो लगे ऑफिस जा रहा है, उस हिसाब से हम लोग कॉन्सेप्ट सोचे थे, इसलिए चिंटू को कास्ट किया। पिक्चर 13 सितंबर ऑल इंडिया रिलीज है, जिसमें से मल्टीप्लेक्स सब जगह लग रही है पिक्चर जी। फिल्म में कितने गाने हैं और म्यूज़िक किसका किसका दिया गया है? फिल्म में गाने 6 हैं, 6-7 गाने, और छोटे बाबा मधुकर आनंद का म्यूजिक है, मंजुल ठाकुर डायरेक्टर हैं और उन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है। फिल्म देखने के बाद मैंने उसको बोला आपने बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है और पब्लिक को पसंद आएगा।